सब्सक्राइब कीजिए टेकविला चैनल को और पाइए सबसे पहले अपडेट, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेकविला में। मैं हूँ आपका दोस्त टेक्निकलोशान। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्यूब बडी ऐप के बारे में, हाउ टू यूज ट्यूब बडी ऐप और क्या है इसका पूरा रिव्यू हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ जाके आपको ट्यूब बडी नाम से ऐप टाइप करना है, क्योंकि पहले तो ये ट्यूब बडी इधर पे नहीं था, लेकिन अब जो है ट्यूब बडी डाला गया है और बहुत ही जल्दी इसके जो डाउनलोड्स हैं फटाफट बढ़ रहे हैं, तो और रेटिंग भी इसकी अच्छी खासी है। तो इसका यूज़ क्या है और क्या इसकी चीज़ें हैं, क्यों ये फ़ायदेमंद है यूट्यूबर्स के लिए, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करिए। ओपन करने के बाद में इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें आपको इसके जो बेसिक चीज़ें फ़ीचर हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि चैनल टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको चैनल्स के लाइव सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे कि लाइव काउंट जो होता है सब्सक्राइबर्स का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे नीचे टैब्स हैं, जहाँ पे रिसेंटली अपडेट्स आपके जो आप अपलोड करते हैं वीडियोज़ को, उनके जो भी स्टैटिस्टिक हैं वो आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखेंगे, और क्या उसमें चीज़ों की माइलस्टोन क्या है, कमेंट्स क्या हैं, वो सारा कुछ जो है बहुत ही अच्छे आपको इंटरफेस में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे हम गूगल से साइन इन कर लेते हैं उसको। जिस आईडी से आपका जो है यूट्यूब का चैनल चल रहा है, उसी आईडी ईमेल आईडी से आप जो है इसको साइन इन करिएगा, तभी जो है ये प्रॉपर आपकी चैनल को वहाँ पर लेगा। तो आपको अपनी उसी ईमेल आईडी से साइन इन करना होगा। मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, अपनी आईडी डाल दीजिए, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाती है, जैसे अभी आप सभी मेरे सामने देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे वीडियोस के नंबर ऑफ वीडियोस, उसके बाद में उसके व्यूज़ टोटल कितने हो रहे हैं, और उसका टोटल सब्सक्राइबर भाई मेरे कितने काउंट हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर ऑनलाइन आपको दिखा दिया है फर्स्ट स्क्रीन में। इसके बाद में यहाँ पर आप और चैनल्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड चैनल पर क्लिक करके, अगर आपके एक ही अकाउंट से बहुत सारे चैनल बने हुए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो है थ्री लाइंस बनी हुई हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चैनल्स का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी टेकविला चैनल है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये आप सभी के सामने यहाँ पर जो है लाइव सब्सक्राइबर काउंट चल रहा है। अगर मेरे कोई भी सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो यहाँ पे मुझे लाइव पता चल जाएगा, और अगर घटते हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ से जो है चैनल को बदलना चाहते हैं, अगर आपके दो तीन चैनल हैं तो यहाँ पे वैसे जैसे आप अपने YouTube में बदलते हैं वैसे आप यहाँ पे चैनल्स को डाल सकते हैं। अगर कोई नई चैनल है जो कि यहाँ नहीं दिखा रही है तो ऐड चैनल पर क्लिक करिए, और ऐड चैनल पर क्लिक करने के बाद में आपका जो अकाउंट है वहाँ पर आप अपना जो है दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं, और उस अकाउंट के अंदर जो चैनल होगी वो भी आपकी वहाँ पे दिखाने लगेगी, तो आप उसमें भी जो है उसको भी वहाँ से मैनेज कर पाएंगे उस चैनल को। तो यहाँ पे अभी हमारी चैनल दिखा रही हैं, इसमें से अगर हम और कोई चैनल ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चैनल को मैं ऐड करना चाहूँ, अगर MCVC को, तो ये चैनल भी जो है हमारी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। वांट टू एक्सेस द गूगल अकाउंट, ये फला मैनेज यूट्यूब वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पे जाके अलाउ कर देना होगा, और आपकी वो जो है चीज़ों को यहाँ पे आपकी चैनल जो है कस्टम टैब लॉगिन स्क्रीन। अब जो है हमारी यहाँ पर भी जो है चैनल ऐड हो चुकी है, तो ये चैनल हमारा यहाँ से ऐड हो चुका है। आप वापस जाके यहाँ से, और वापस आप दूसरी चैनल्स में जाना चाहते हैं तो ये लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस चैनल में जाना चाहते हैं, तो वो आपका वहीं पे जाएगा, और आपको एक टाइम पे आपकी एक चैनल यहाँ पे मैनेज हो रही है तो कोई बात नहीं है। तो गलती से प्रेस हो गया, जो भी चैनल आप ओपन करना चाहते हैं उस पर बस क्लिक कर दीजिए, वो आपकी चैनल वहाँ से साइन इन होके आपको अलाउ कर देगी, और आप उस चैनल को वहाँ पे प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तरह से जो है आप अपने चैनल को यूज़ करिए, और इसमें अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या इन चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए टेकविला में, और यहाँ पे कुछ आपके
नोटिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे रिसेंटली अपलोड जो नहीं दिखा रहा था अभी तक हमारे, तो वो आपको दिखाना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने अभी तक अलाउ नहीं किया था चैनल को, इसीलिए वो नहीं दिखा रहा था। अब जो है हम अलाउ कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपके सारी चीज़ें बता रहा है, अबाउट 1 कमेंट और लाइक पर 5 व्यूज़, इतना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है इन वीडियोज़ में। ये आप जो है स्टेटिस्टिक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके, और इसके अलावा अबाउट 1 कमेंट, और इसके बाद में यहाँ कमेंट का ऑप्शन है, जो आपका रिसेंटली कमेंट आया है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे 3 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, 11 मिनट पहले, तो जो भी आपका कमेंट है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जो है जो भी उसका रिस्पांस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालिए। मेड विद वीडियो कैसे हटाना है का बोलो, नहीं हटेगा वो आएगा ही, या तो प्रो वर्जन यूज़ करें, और ये करने के बाद में आपको पोस्ट पे क्लिक कर देना, तो जो रिस्पॉन्स है उसका वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमने ऐड कर दिया यहीं से रिस्पॉन्स, जैसे कि आप कमेंट पढ़ते जाइए जो कमेंट आपको लग रहा है, और इसके अलावा जैसे हमने कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे जैसे हमने आपको भी बताया जवाब देना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं उनका भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर किसी बड़े यूट्यूबर ने आप पे कमेंट किया है तो वो भी आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ 45 सब्सक्राइबर है और 53 सब्सक्राइबर हैं, जो भी यहाँ पे आपको कमेंट कर रहे हैं उनका आपको जो है वहीं के वहीं दिख जाएगा कि भाई ये बंदे ने कमेंट किया है और उसकी प्रोफाइल में कितने सब्सक्राइबर हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। माइलस्टोन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कमेंट्स आपको पता चल गया है, इसके बाद में रिसेंटली अपलोड जो है वो आपको बता दिया है। इसके अलावा आप अगर इसमें अगर आप क्लिक करते हैं, जो भी वीडियो हैं आपके रिसेंटली अपलोड वीडियो हैं, तो उसकी रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस चेक, अपलोड हाई रेजोल्यूशन थंबनेल, एंश्योर दैट थंबनेल शोन अप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे जो चीज़ें सही नहीं होंगी वो आपको यहाँ पे बता देगा। टैग लेंथ यहाँ पे आपको बता रहा है कि इतनी टैग लेंथ ही डालिए, इन्फो कार्ड नहीं डाला है, ठीक है, शेयर ऑन ट्विटर हमने नहीं किया है, फेसबुक में हमने नहीं किया है, तो ये 4 आपको एरर बता रही हैं। इन चीज़ों को आप सही कर सकते हैं चेक करने के बाद में। इसके बाद में यहाँ पे टैग्स वाला ऑप्शन आता है, तो आपको कौन से टैग्स यहाँ पे डालने चाहिए और कौन से टैग्स आपके आ रहे हैं ये आपको प्रॉपर यहाँ पता चल जाएगा, हालांकि थोड़ा लोडिंग में इसका टाइम काफ़ी लेता है। तो ये जो हमने टैग्स इसमें डाले हुए हैं ये आपकी उसकी रैंकिंग बता रहा है कि भाई आप ये इसमें फर्स्ट रैंक है, इसमें फोर्थ रैंक है, और इसके बाद में यहाँ पे सजेस्ट वाला ऑप्शन एक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें और इससे जुड़े हुए कोई टैग्स जो सजेशन आपको है इससे मिल जाएंगे, तो आप उससे जो है उनको देख के और उसको और अच्छे से सुधार सकते हैं कि भाई आपके टैग्स अगर सही नहीं हैं तो हमें कौन से टैग्स डालने चाहिए, वो आपको यहाँ पे सजेस्ट मिल जाएगा, तो उनसे आप देख के जो है टैग्स को डाल सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा था। इसके बाद में प्रोमो मटेरियल, क्लिक एनी आइटम बिलो टू कॉपी इट्स वैल्यू टू क्लिपबोर्ड, वीडियो यूआरएल, टाइटल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो प्रोमो मटेरियल आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको फिर बाद में वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद स्टेटिस्टिक यहाँ पे जो है व्यूज़ आपके टोटल इतने हुए हैं, अबाउट 1 कमेंट एंड लाइक पर 9.9 व्यूज़ में एक कमेंट मिल रहा है और लाइक मिल रहा है, लाइक अ लिटिल मोर देन डिसलाइक्स, तो लाइक ज़्यादा है डिसलाइक से। टोटल कमेंट्स एक कमेंट और एवरी 22 व्यू में एक कमेंट आ रहा है, 2 टैग्स इन टाइटल्स और इसके बाद में 2 टैग्स इन डिस्क्रिप्शन, इस टाइप से इन्होंने एक रिपोर्ट बना दी है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यहीं से ऊपर आपका वॉच का एक बटन लगा है जिससे आप चाहे तो प्ले करके देख सकते हैं, और शेयर का ऑप्शन है जिससे आप वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हैं तो इसी ऐप के थ्रू आप जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, रीसेंट कमेंट यहाँ पे बताता है, तो अभी 9 कमेंट फाउंड बता रहा है। थर्ड यहाँ पे माइलस्टोन आपको बता रहा है कि आपने एक माइलस्टोन जो हासिल किया है वो है 4 मिलियन आपका जो व्यूज़ का, तो योर चैनल पास्ड द 4 मिलियन व्यूज़ माइलस्टोन ऑन 5 मई 2018 को, मेरे 4 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं करोगे। इसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन का काउंटर है जहाँ पे एनिमेटेड यूट्यूब रेड कॉमेडी स्टेयर्ड जो, ये आपको जो है कुछ वीडियोस के यहाँ पे आपको टाइट, इन्होंने एक ब्लॉग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हैं जिनको आप
खोल के पढ़ सकते हैं, जिसमें गूगल न्यूज़ दिखा रहा है, और इसके अलावा यूट्यूब रेड, रिपोर्टरी पिकअप, सर्विस सीरीज, स्टेयरिंग डिजिटल, इस टाइप से इनकी जो है आपको फीडबैक मिलता रहेगा। आप स्टोरीज पढ़ पढ़ के और यूट्यूब के बारे में, गूगल के बारे में जान सकते हैं, क्या अपडेट हो रहा है वो आपको यहाँ से पता चलता रहेगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे भी एक स्क्रीन देखने को मिलेगी। जैसे आपने स्वैप किया तो यहाँ पे टैग एक्सप्लोरर है। टैग एक्सप्लोरर को यूज़ करने का तरीका, यहाँ पे अगर आप कोई भी टैग डालते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो यूट्यूब रेड ओरिजिनल सीरीज़ यहाँ पे बता रहा है, सर्च वॉल्यूम जिसकी 100% है, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ, और कोबरा काई, कराटे किड, ये जो है यूट्यूब के अंदर में इससे रिलेटेड जो है सबसे ज़्यादा हाई, यहाँ पे जो है इसकी सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, कंपटीशन 96 बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल बैड बात। उसके बाद में चेकआउट कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो टैग एक्सप्लोरर का मतलब मेन यही है कि आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे, तो क्या होता है, तो ट्यूब बडी ट्यूटोरियल, यूट्यूब टूल्स, ट्यूब बडी रिव्यूज़, ये चीज़ों को जो है सर्च हो रहा है। कंपटीशन 91 है इसमें, और ओवरऑल जो है बैड बता रहा है, सर्च वॉल्यूम जो है हाई है। तो इनकी तो अभी रेड रेड दिखा रहा है, तो ये जो है इनकी सर्च वॉल्यूम जो है काफ़ी है। तो इनको भी आप जो है इन टैग्स को यूज़ करके, कॉपी करके आप जो है अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। जिस टाइटल पे आप डाल रहे हैं उस टाइटल को यहाँ पे सर्च कर लीजिए, और उसके बाद में उसके रिलेटेड जो टैग्स हैं उनको यहाँ से कॉपी करके आप जो है अपने वीडियो के टैग्स के अंदर में डाल सकते हैं। तो ये था टैग्स एक्सप्लोरर। इसके बाद में यहाँ पे टॉपिक प्लानर है। इसमें से अगर आप कोई टॉपिक जो है अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे टॉपिक डला हुआ है, इसको प्लान करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई ये मेरे टॉपिक्स हैं, इन पर मुझे बाद में काम करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि इन टॉपिक्स को आप लिखिए और उसके बाद में उसको वहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए कि हमें इनको बाद में देखना है ना। तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब वापस चलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे टैग लिस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, या कैंट रिस्पॉन्ड करके एक यहाँ पे ऑप्शन। और यहाँ पे अगर आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, आपको बार बार पूछे जा रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर में, तो उन वीडियो में आपको सेम जो रिप्लाई देना है उसको आप यहाँ पे पहले से ही डाल सकते हैं, कैंट रिस्पॉन्ड जिसको बोलते हैं, और उनको फिर आप सीधे सीधे उन कमेंट पे क्लिक करके एक बार में उसका एक क्लिक में आप आंसर दे सकते हैं। मतलब आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका एक प्रकार से ऑटो टाइप टाइप का, या ऑटो रिप्लाई टाइप का ये एक प्रकार का ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी आपको यूज़ करके दिखा देते हैं। तो कैंड रिस्पॉन्ड पे क्लिक करिए, इसके बाद में ऐड कैंड रिस्पॉन्ड दीजिए, और यहाँ पे टाइटल इसका कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे कि मैं देता हूँ म्यूजिकली क्वेश्चन। ठीक है, और रिस्पॉन्स जो है उसका, थैंक्स फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन, वी विल गेट टू यू वेरी सून, ये लिख दिया हमने और यहाँ पर डन पे क्लिक कर दिया। तो जब भी कोई यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछा आएगा कमेंट के अंदर में, तो वहाँ पे हम ये रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसके बाद में टैग लिस्ट का ऑप्शन आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू हैवेंट क्रिएटेड एनी टैग लिस्ट येट, टिप टैग लिस्ट ऑन मोबाइल आर स्ट्रिंक्ड विथ योर ट्यूब बडी ब्राउजर एक्सटेंशन टैग लिस्ट। तो जो टैग लिस्ट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो जो आपने अगर आप इस ब्राउज़र एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं ट्यूब बडी को अपने पीसी से या लैपटॉप से, तो यो जो आप यहाँ पे टैग जोड़ेंगे वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके उस एक्सटेंशन से, और वो दोनों चीज़ों में एक ही आपको दिखेगा। तो ये अच्छी बात है, आप यहाँ पे टैग लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज कोई भी आपका जो टॉपिक है जिस पे आप ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, उनमें जो भी कॉमन टैग्स यूज़ होते रहते हैं उन टैग्स को आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, ताकि बाद में जब आप उसी टॉपिक पे फिर से कोई वीडियो बनाएं तो उन टैग्स को सीधे आप यहाँ से कॉपी उठाएं और उसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे म्यूजिकली पे एक बना लेता हूँ,
टैग लिस्ट, ठीक है। अब जैसे म्यूजिकली ट्यूटोरियल ये हमने डन कर दिया, ठीक है। तो अब जो है इसको हम क्लिक करते हैं, दिस लिस्ट डजंट कंटेन एनी टैग्स, यू कैन ऐड टैग्स टू इट फ्रॉम द टैग्स एक्सप्लोरर टूल ऑन द सजेस्टेड टूल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है। अब यहाँ पे ये जो है टैग एक्सप्लोरर में जाइए और यहाँ पे जो है सिर्फ म्यूजिकली डालिए। इसमें आपको जो है बड़े सेंटेंस डालने में ये थोड़ा सा जो है वो हो जाता है, इसको आप छोटे छोटे सेंटेंस डालिए। तो यहाँ पे हमने म्यूजिकली वीडियो, म्यूजिकली कंपाइलेशन, म्यूजिकली ऐप, ठीक है, ये कॉपी टू पे क्लिक करिए और इसके बाद में टैग लिस्ट यहाँ पे आपका आएगा और इस पर आप करिए और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। तो जो आपने यहाँ से टैग्स को कॉपी किया है वो आपके अब स्टोर हो जाएंगे जाके कहाँ पर, जो मैं अभी आपको बता रहा था, आपके टैग लिस्ट के अंदर है। आप टैग लिस्ट के अंदर जाइए और म्यूजिकली टैग ट्यूटोरियल को खोलिए। फ़िलहाल जो है वहाँ से कॉपी तो यहाँ हो चुके थे, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं, फिर से एक बार हम जाके करते, शायद हमने वहाँ पे कुछ गलत तरीके से कॉपी किए होंगे। तो टैग एक्सप्लोरर के अंदर में हमने डाला म्यूजिकली और सर्च किया और इनको हमने कॉपी टू टैग लिस्ट और इस पर हमने क्लिक करके डन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऑल टैग्स एडेड टू, ये आपको वहाँ पे बता रहा है कि ये जो है और आपके टैग्स वहाँ पे ऑटो कंप्लीट, टैग्स जो है हमारे वहाँ पे लिस्ट में कॉपी हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी एरर आ जाती है तो वो आपको वहाँ पे ना दिखाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे फीडबैक का एक ऑप्शन है और साइन आउट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर काउंट अभी देखिए एक वन माइनस हुआ है हमारा, है ना, तो वो भी यहाँ पे बता रहा है कि सब्सक्राइबर घटा है और बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ दिखा देगा। तो लाइव काउंट आप यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का देख पा रहे हैं और वीडियोस के स्टैटिस्टिक देख पा रहे हैं, कमेंट देख पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब आप यूट्यूब के अंदर नहीं कर पाते हैं या स्टूडियो के अंदर नहीं कर पाते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, इस ट्यूटोरियल में कुछ प्रॉब्लम हो या इससे जुड़े और कोई क्वेश्चन हमारे वीडियो को नीचे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बनी रही टेक विला में, स्टे रॉक।